अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज की इस वीडियो में हम आपको गांव का माहौल दिखाएंगे, प्योर देसी। टाइम यहां पर आप देख सकते हैं 4:47 हो चुके हैं, अजानें वगैरह हो रही हैं। तो सबसे पहले हाथ मुंह वगैरह धो लेते हैं ताकि जो है वो हम फ्रेश हो जाएं। सुबह सुबह बड़ा ही पुरसकून सा माहौल होता है। देखें यहाँ पर जानवर वगैरह भी कितने सुकून से बैठे हुए हैं और कितना जो है वो पुरअमन माहौल बना हुआ है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। पहले इबादत, बाकी सारे काम बाद में। पानी पीते हैं। में काफी सामान पड़ा है लगता है, फिर ब्रेड भी है, मक्खन भी पड़ा है इधर, ये भी काफी कमाल की चीजें पड़ी हैं इधर, दही भी है, नींबू। आज जो है वो हम देसी खाना बनाएंगे। ये इधर अंडे भी पड़े हुए हैं। गांव में बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसा कि इधर ये हमने बर्फ़ वगैरह निकाल कर रखी है। हम निकालेंगे यहाँ पर मक्खन, तो उधर है दूध, अब दही बन चुका है, दूध का दही बन चुका है। बर्फ को बारीक कर लिया है। गर्मियों में जो है वो बर्फ इस्तेमाल करनी पड़ती है, बाकी सर्दियों में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब लस्सी बनेगी इसकी और मक्खन भी निकलेगा। दानी रखती है, अभी कुछ देर तक जो है वो ये चलेगी, 10-15 मिनट लग जाएंगे। कल का दूध रखा हुआ है, हम इसकी चाय बना लेंगे। बाकी ताज़ा दूध अभी मम्मी लेने गई है।
3-4 मिनट हो गए हैं, इसको बंद करते हैं। वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अभी जो है वो देख सकते हैं ये कैसे घूम रहा है। अभी मक्खन आग जल चुकी है, देगची चढ़ चुकी है ऊपर, चाय बन रही है अभी। देखें दिन जो है वो चढ़ने वाला है। तो ताज़ा दूध आ चुका है, कैसे इस पर जो है वो झाग वगैरह बनी हुई है। मक्खन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं चाय बन चुकी है। फ्रेश मक्खन निकल चुका है, सुबह सुबह लस्सी पीते हैं। रात की कुछ बासी रोटियां पड़ी हैं यहाँ पर, अगर इन पर मक्खन लगाकर खाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तारों पर परिंदे आ चुके हैं, देखें कवे जो हैं इनको रोज़ाना रोटी डाली जाती है, तो इसलिए ये अभी इंतज़ार में बैठे हैं। यहाँ पर कवों के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, बाकी कव्वे जो हैं वो उधर इंतज़ार कर रहे हैं। ये रोटी जो है वो अभी बकरियों को डालेंगे। चेक करें कितनी जल्दी 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 रोटी खा रही है। तो मक्खन लग रहा है रोटी पर, गांव में यही तो मौज है, मक्खन है साथ चाय, मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड दिन चढ़ चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।